ठीक है, बहुत बढ़िया अंकल। हम क्यों हम है ना, ये भाई रह रहे हम आपके बेटे ही है, आप टेंशन ना लो। आपका बेटा चला गया जी, हम सबको छोड़ गया, हमारा भी तो भाई गया है, हम सबको इकट्ठा करके छोड़ गया वो, हम सबको इकट्ठा कर दिया उसने, आप टेंशन मत लो। रिक्वेस्ट है पानी दे दो एक बार अंकल, हौसला मत हारो, ये भी आपके बेटे हैं, ये के बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूँ, और भाई और भी बड़े भाई आ रहे थे उसके, कितने तड़े खड़े, चिंता ना करो, वो तो मंजूर था, अगर मेरे बेटे की गलती है कोई मुझे जस्टिस नहीं चाहिए, लोग नहीं खड़े होते उसके साथ ही, आज जैसे समाज को इकट्ठा कर दिया, सब लोग खड़े हैं, गलती होती तो हम सब आपके साथ होते हुए और उसका सजा नहीं, पानी पियो इतना भी नहीं बताया, अच्छे आदमियों के साथ ही बुरा होता है, जरा सा कह देता पापा ऐसी बात है, पानी पियो अंकल, पानी पियो, बनाई हूं शायद डाल दिए बच्चों को, वो अपनी बहन से कह रहा है कि बहन मैं तो बेकसूर था, बेकसूर मैं ऐसे फंसा दिया हूं, तो बहन तू इन चक्करों में मत पड़ियो, और यारी दोस्ती वो है, बस तू अपना ध्यान रखियो, पढ़ियो लिखियो, मम्मी पापा टेंशन मत लेना, अगर तुम रोओगे ना तो मैं भी रोऊंगा, मम्मी रोना था, मम्मी सॉरी मैं नहीं करना चाहता था, ये स्टेप नहीं उठाना चाहता था मैं, मेरे बच्चे की जिंदगी ले गए ये लोग मिलकर सारे, तुम धमकी दे रहे हो उस बच्चे को, तुमको चाहिए था आते बात करते हमसे, कैसा चाहिए मेरे से ले जाते, इतना डिप्रेशन में मेरा बेटा 10 महीने से, पता हम तो जनवरी अब देख रहे वीडियो, घर में घुसते बच्चे के मुँह पे ऐसी स्माइल कि मेरे मम्मी पापा परेशान ना हो जाए, तुमने ऐसा बालक लूट लिया, वो अब एलिगेशन लगेगा रेप का, अक्टूबर का टाइम दे रखा है उन्होंने 10 लाख का, अच्छा बेटे ने सोची होटल वोटल बंद है, हाँ। काम नहीं चल रहा, ये टाइम आ गया, अगर पैसे नहीं दिए तो रेप का केस करके अंदर करा देंगे, हाँ। अब मेरे पापा को कोई ये ना कह दे फिर रेपिस्ट को बाप की तरह जाओ, कह रहा मैं अपने मतलब निगाहें अपने मम्मी पापा मेरी एक बहन भी है, उन्हें नीचे नहीं होने देना चाह रहा, ऐसा बच्चा आज के टाइम में सोची मेरा काम बंद है, मैं तो 10 लाख कहाँ से दे दूंगा, पापा से कहूँगा, पापा कहेगा भाई तेरा काम बंद है तो किस चीज़ की पेमेंट ले रहा है, किससे ले क्या करो, मेरा बेटा खुशा भी होगा, उसने जाते जाते भी आपके मान सम्मान के बारे में सोच, मुझे नहीं चाहिए था ऐसे बात, सब बात जिसके बुढ़ापे की लकड़ी से लिए की थी मेरी, वो कह रहा मैं बहुत कुछ करना चाहता था, किसके साथ रहे, कितने उसने ऑफिस खोला, क्या कमा के क्या करूँगा मैं, 22 साल का हुआ था, क्या करूँगा मैं, प्रॉपर्टी चाहिए बताओ, पिछले अगस्त को हमने इतना बड़ा उसका बर्थडे बर्थडे करा धूमधाम से, हमें क्या पता है कि अगले साल हमारी कैसी आएगी, सब बुलाए थे मगर 21 साल का होगा तो अपने बेटे का अच्छी तरह बनाओ, तो भाई बेटे को इंसाफ दिलाओ, और वो तो खुद कह के गया आप लोगों से कि ना पुलिस सुनेगी ना कोई कानून सुनेगा, सबको सुनना पड़ेगा, मेरे भाई हैं, पूरा भाई सारा उसके साथ है, सब बेटा है, सब ने सुनना पड़ेगा, और सोचो उसका दर्द उस समय कितना हो रहा होगा जब उसने मेरे से लास्ट टाइम 7:30 बजे मेरी आवाज़ को मचा रहा था मेरा बेटा, मम्मी कुछ लेके आना है, बेटा दूध ले आना, बेटा मैं ऊपर घूम रही हूँ गेट बंद कर लिया, मैं नीचे 9:30 बजे आई हूँ, मेरा बेटा था ही नहीं यहाँ पे, 8 बजे के बाद वो बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता था, आज के टाइम में है ऐसे बच्चे भाई नहीं। और जब अपने पैरों पे खड़ा हुआ गाड़ी रही पैसा रहे निकले बच्चे बाहर कोई मतलब नहीं, अगर दोस्तों को फोन आता था तो कहता था भाई मैं 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलूँ, आज से नहीं शुरू से भाई ऐसे बच्चे को लेती, यार तुमने जिंदगी ले ली उस बच्चे की, और वो फिर भी सोचता रहा चल ये बात दब जाए दब जाए, कह रही तू धर ले गाड़ी तू धर ले भाई माफ़ कर दे मुझे, फिर भी उसे धमकी दे रही है क्या अक्टूबर में पैसे ना दिए तो मैं तू अपने रास्ते में दिखाऊंगी तुझे, क्या दिखाऊंगी भाई तुम धमकी दे रहे हो वहाँ से हम उठवा लेंगे, ना भाई किसी पर तो तरस खाओ कम से कम, उसने एक एक चीज़ अपनी वीडियो में बोल दी हमें तो कुछ वहाँ 2 घंटे तक पुलिस नहीं आई है, बच्चा लटका पड़ा है वहाँ पे, फ़ोन कर दिए वहाँ चौकी पे 2 पुलिस वाले बैठे हैं,
कह रहे जी हम तो टूटी पे हैं। अरे भाई ये टूटी नहीं है, इंसानियत नहीं है। वो छोड़ तो बस मुझे तो भैया इंसाफ बुलाओ, बस इन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ो। ये आज़ादी से घूम रहे हैं और हम यहाँ बैठ के रो रहे हैं। हमारा समाज, हमारा परिवार सब साथ है, बस उसे इंसाफ चाहिए। और ऐसा हो तो फांसी लगवा दो, कितने घर बच जाएंगे ऐसे लड़का। ठीक बात, फांसी लगनी चाहिए। ठीक बात है भाई। अजय भाई आप दो सिंगर हो और दो भाई और आए, आपकी लाइन का, आपके गैल का कह लो ईसा काम कर गया के को गए घरों झाड़ गया कती मथेड के गाड़ा हूँ अंकल रोन के थम रहे एंटी रोन के थम रहे। उसने के को गए जो देखने लग रहा एंकल जी, उसने तो वीडियो में कही थी, मैंने बाद में सुना, जैसे मैंने कल शाम को सुनी, मैंने नहीं सुनी जी पूरी वीडियो। हिम्मत की तो अंकल जी ये कह रहा था, मैं तो इसी काम के लिए तो लड़के रखता हूँ। कह रहे थे जब अमन बल के ये कही थी, देखो जी इसकी सोच सही बात है। दो दो बाउंसर ऐसे निकाल रखे हैं, सुनी हमने। हाँ सारी सुनी है, बिंदुक रखो ना बिंदुक। जब तक समाज इकट्ठा हो जाएगा रखो, अच्छी बात है, तरक्की करो, पैसा कमाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन तू लड़कियां किसी की जिंदगी के लिए तू अभी एलिगेशन लगा के ऐसे कमाएगा तो भाई साहब उस तक क्या होगा जिसने ऐसा काम किया। बस मैं देखूंगा पूरी कानून प्रणाली तय कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और जिसने इस हमारे भाई की जान ली है उन दोषियों को कम से कम फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी बालक हमारा भाई हमारा बेटा ऐसा काम ना करे जो ये मतलब इतना बुरा इस तो बड़ा और के काम होगा कि उसने मरना पड़ गया, उसने अपनी जान देनी पड़गी। जो अपने माँ बाप के आँखें तारा था, जिसने लास्ट टाइम भी अपने माँ बाप की इज्जत इतनी प्यारी थी, ऐसे बालक ने अपनी जान देनी पड़गी। और जिनने उसकी जान ली है कम तक कम उनकी सजा फांसी है, उस तक कम कोई सजा नहीं, कोई सजा नहीं उस तक कम। ठीक बात कही गगन। मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे कलाकार हो कोई भी आदमी हो, किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं करना चाहिए। जब इस लड़के ने सारे प्रूफ दिखा दिए और हर चीज़ उसके पास मोबाइल में पहले ही थी, अमन ने और अपनी जान देनी पड़गी, फिर भी पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये अंधा कानून है और किसी के दबाव में, किसी के रिश्वत के दबाव में ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूँ कि और सारा भाईचारा और सब लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो भाई भी आए हुए हैं और भी आर्टिस्ट यहाँ पे आए थे और भी आने वाले हैं, पूरा समाज साथ में है कि जल्दी से जल्दी गुनहगारों को पकड़ के उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता हो कम से कम फांसी, उनको दंड मिलना चाहिए, ये हम सब की मांग है। बिल्कुल। तो भाई अजय भाई भी रहने लग गया, गगन भाई भी, मतलब बात तो क्या करूँ, अंकल अंटी डटे नहीं रहे। अंकल जी हौसला रखो, आप ये बेटे आप गेल हैं, मन्ना या वीडियो टीआरपी खातर कितनी नहीं बनाई तब ना बता दूँ, दर्शक उसे देखने लग रहे हो, इसने सरकार के मथे मारो जागा, प्रशासन के मथे मारो जागा, उनको सुन लो, सारे सबूत हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा भाई, जिसके सबूत नहीं थे सुशांत के पास है तो खोदन लाग रहे हैं, सबूत तोन लाग रहे हैं जबरदस्ती, कितने कितने को सबूत पा जा। और जब सारे सबूत हैं तो कानून सरकार ये नेता या पुलिस सब किम चुप क्यों बैठा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। सुशांत नहीं मिल रही है या सरकार क्यों इसी हो रही है? मैं सिर्फ इतना या एक परिवार की या एक गुजर समाज की लड़ाई नहीं है, या इंसानियत की लड़ाई है। और इसमें हम सब भाई की गिल है, हम भाई ने न्याय जब तक नहीं मिलेगा, जब तक यह सरकार नहीं जागेगी और दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, हम यड़े खड़े हैं। यड़े कतियर भाई फुल सपोर्ट है, इन तक तन मन दंत है, और वकील से ये वकील भी ले आवाएंगे भाई हम अंकल अरती। अरे भाई इस वीडियो में सरकार का माथे मारो, प्रशासन का माथे मारो, इब तक ले एफ आई आर है, उनको सारे सबूत दे दिया थरते हैं, सबूत ना है जब तो एफ आई आर होगी थरी, तू तो कील उठ जाए तो इनकी नेता है कि कील की भी एफ आई आर लिख दो, अरे तुम हमारे भाई की नहीं लिखते, शर्म आनी चाहिए इसे प्रशासन ने। हाँ एक घंटे टाइम कुछ नहीं है, सब ये पहले की बात है, एक घंटे पाछे फिर देख लेंगे। ठीक है, मैंने जो अधिकारी कह रहे हैं कि एक घंटे टाइम चाहिए, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या खतर चाहिए, कौन सी फाइल बनाओगे, सबूत सारे रे के चाहिए, क्या खतर चाहिए घंटे का? ये मना लिए तू ना, उसके भाई ने लिया, उसके भाई का क्या कसूर, ऊपर से ऑर्डर नहीं मिले, ये कानून का, अच्छा हाँ ऊपर से ऑर्डर ना मिले, ऑर्डर नहीं मिले, एक बढ़िया रिश्वत नहीं मिली, क्लियर तो करो। हाँ ये बात,
ये बात है या जी मिला दो मारा जाके मारा भाई था यो ठीक है रिश्वत ना मिली तुमने ज्यादा नहीं कट्टी एफ आई आर ठीक है रिश्वत ले लो पर मारी एफ आई आर तक काट लो कम तक कम मैंने बेरा मेरे ऊपर केस हो सका लेकिन हो जाओ दस बार लेकिन भाई की एफ आई आर कटनी चाहिए मारा भाई था कारण तो बताओ ये बता के जाओगे एक घंटा भाई हमने न्यूज चाहिए इसलिए चाहिए अरे आज एक घंटा मांगा ये चार पांच दिन हो गए जब ना दिखे किस लिए चाहिए इसको क्या समझे हम ये नहीं कह रहे कि न्याय इस देश में नहीं मिलता लेकिन मैं कहता हूँ इतनी देर से क्यों मिलता है और गरीब आदमियों को क्यों नहीं मिलता है अजय भाई ये कह रहे हैं 3 दिन की छुट्टी थी हाँ 3 दिन की छुट्टी पुलिस वाले की 3 दिन की छुट्टी थी कब अगर पुलिस वाले की 3 दिन की छुट्टी हो एक काम करियो नेता का किसी कुछ हो जाए पहुंच नहीं जाएगी पुलिस संडे रैली और पुलिस नहीं पहुंच जाएगी फिर हम देखेंगे बताओ पुलिस की कब तक छुट्टी होने लगी बेल्ट की नौकरी की छुट्टी कब तक होने लगी भाई सोल्जर थे कब तक फौज में नौकरी करी फौज की तो कभी छुट्टी नहीं होती ना पुलिस की होती बेल्ट की नौकरी होती पागल बनाने लग रहे मारा भाई पुलिस प्रशासन सुन लो या सरकार सुन लो और सारी सरकार सुन लो प्रति मारे भाई ते इंसाफ दे दो ना तो उसके भाई गेल है उसकी और उसके आवाज ठान दे रहे हैं पूरा कोई नहीं होगा भाई बस बात यह है अंकल जीत आपकी गेल है दुख नहीं आपके बालक से ठीक है भाई।